दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। करीब 1000 जवानों ने महज 2 घंटे की मुठभेड़ में ही 31 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी की लीडर नीति समेत एक मेंबर के भी ढेर होने की खबर है। नीति पर 8 से 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसे अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन बताया जा रहा है। पूर्वी बस्तर डिवीजन कंपनी नंबर 6 से 50 के ज्यादा नक्सलियों के मौजूदगी की सूचना मिली थी। नारायणपुर SP प्रभात कुमार ने बताया, बस्तर क्षेत्र के टॉप नक्सलियों की एक बैठक की सूचना मिली थी। सर्च और रेस्क्यू टीमें रवाना की गई। कल दोपहर से मुठभेड़ शुरू हो गई थी। देर रात तक मुठभेड़ जारी रही। आज सुबह भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले इसी साल 16 अप्रैल को कांगेर में जवानों ने 29 माओवादियों को मार गिराया था। तब यह नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन था। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 अक्टूबर को नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बड़ी सफलता मिली है नक्सल ऑपरेशन में, क्या कुछ इसमें अपडेट है और कब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? अबुझमाड़ के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी अबुझमाड़ में नारायणपुरा दांतेवाड़ा के बॉर्डर के क्षेत्र में नेंदूर थुलथुली कावाड़ी के आसपास सूचना आई थी कि पूरी बस्तर डिवीजन, जिसमें और इंद्रावती एरिया कमेटी के टॉप लीडर्स, टॉप नक्सल्स की वहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ पर एक जमावड़ा है। इस आसूचना पे सर्चिंग गश्त पे टीम्स निकली थी अलग अलग जगह से। दांतेवाड़ा DRG थी, नारायणपुर DRG थी, STF, सारी टीम्स निकली थी 2 दिन पहले। और कल दोपहर से लगातार और ज़बरदस्त फायरिंग हुई है, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, मुठभेड़ हुआ है। देर रात तक मुठभेड़ जारी रही, सुबह भी सर्चिंग किया गया। और अभी तक फाइनल अपडेट ये है कि कुल 31 नक्सलियों की बॉडी रिकवर हुई है, डेड बॉडी रिकवर हुई है। भारी मात्रा में हथियार रिकवर हुए हैं और भारी मात्रा में हथियार रिकवर हुए हैं, जिसमें कंपनी नंबर 6 इंद्रावती एरिया कमेटी, आमदे एरिया कमेटी, इस बस्तर डिवीजन के नक्सल लीडर्स, टॉप लीडर्स के होने की संभावना है। बिल्कुल, मीडिया के माध्यम से जो जानकारी आई है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ फोर्स को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने बड़ा ऑपरेशन किया, इसके लिए बधाई। लगातार इस तरह का ऑपरेशन सर हो रहे हैं, पिछले कई समय से देखने को मिल रहे हैं। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सरकार ये टारगेटेड एनकाउंटर करे, निर्दोष आदिवासियों को ना मारे, ये तो हम लोग शुरू से बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह है कि जवानों की मेहनत है और इससे जवानों का मनोबल बढ़ा है, इसलिए जवानों को बधाई। Okay.